क्या है? गुड मॉर्निंग ठीक है। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी बच्चों? मैम। मैम ठीक फाइन है। है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 6 के इंग्लिश को। हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर थर्ड की बात कर रहे थे। प्रैक्टिस पेपर थर्ड में हमें क्या करना है बेटा, हमें एक्सरसाइजेस करनी है। और हमने अपनी पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में, फिफ्थ पार्ट के फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें फिफ्थ के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करना है, राइट? आप सभी अपना अपना यस मैम। स्पीकर बंद कर लीजिए बेटा, राइट? सभी लोग अपने स्पीकर बंद कीजिए। ओके, आई थिंक सो आप सभी के स्पीकर्स बंद हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 3 को कर रहे थे और उसमें हमने फिफ्थ पार्ट तक की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। फिफ्थ में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या था, फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग इज, आर, वाज एंड वर। हमने इसको किया था, सभी को याद है ना? और हमने बताया था अपनी लास्ट क्लास में कि इज और आर प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं और वाज एंड वर दीज आर यूज फॉर द पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ साथ में हमने और क्या बात किया था बेटा, इसके साथ साथ में हमने इस बात को भी जाना था। क्या जाना था? इसके साथ में हमने इस बात को जाने थे कि जो इज है और जो वॉज है, इज एंड वॉज, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और वॉज एंड वर्ब ये किस लिए यूज किए जाते हैं, सॉरी, आर एंड वर्ब, जो आर होता है और वर्ब होता है ये प्लूरल्स के लिए यूज किया जाता है, बहुवचन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको कम्प्लीट किया था। आज हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज की। और वो सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज क्या है, सेकेंड पार्ट एक्सरसाइज का है, उसमें हमें करना है मेक प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें क्या करना है, हमें प्लूरल्स बनाने हैं, बहुवचन बनाने हैं, जो दिए गए शब्द हैं उन शब्दों को हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको कन्वर्ट करना, किसमें, सिंगुलर से प्लूरल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर क्या वर्ड्स दिए हुए हैं बेटे, यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं लाइक योर, हियर वर्ड इज गिवन एज लाइफ। क्या शब्द दिया हुआ है, लाइफ। लाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू। ओके, तो लाइफ का जो प्लूरल होता है क्या होता है, नाइफ्स होता है। क्या होता है बेटा लाइफ का प्लूरल, इट इज नाइफ्स, के एन आई वी ई एस। आप लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, प्लूरल ऑफ लाइफ, के एन आई एफ ई। लाइफ का जो प्लूरल है वो क्या होता है, के एन आई वी ई एस, राइट? आप सभी लिख पाएंगे ना, इसे कंप्लीट कीजिए, के एन आई वी ई एस, लाइफ। लिखिए आप प्राग्नि। ओके, मैं आपको लिख रही हूँ, फर्स्ट है के एन आई वी ई एस। सिमिलरली सेकेंड वर्ड दिया हुआ है, क्या है बेटा सेकेंड वर्ड, यहाँ पर दिया है काफ, सी ए एल एफ। ओके, तो काफ का क्या हो जाता है, सी ए एल, सी ए एल वी ई एस, काफ जो हो जाना है, राइट? नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास में दिया हुआ है, दैट इज योर लीव। व्हाट इज गिवन हियर, लीव, लीव लिखा हुआ है फर्स्ट में, तो लीव का जो प्लूरल बनाएंगे एल ई ए वी ई एस, लीव, राइट? नेक्स्ट बेटा जो वर्ड लिखा है क्या है, वोल्फ। वोल्फ मीन्स भेड़िया, ठीक है? तो वोल्फ का क्या हो जाना है, वोल्फ हो जाना है, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस। ओके, क्या हो जाना है, वोल्फ हो जाना है, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस। ओके, इसको लिखिए बेटा जल्दी से, फास्ट कंप्लीट कीजिए इसको। ओके फाइन, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज की। आई थिंक सो इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज में बेटा लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, लिखा है आपको निर्देश लिखा हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एडवर्ब गिवन बिलो। आपको दिए हुए जो रिक्त स्थान है, सेंटेंस है, वाक्य दिए हुए हैं, उनमें आपको क्या करना है, खाली स्थान की पूर्ति करना है, किसका प्रयोग करके, जो एडवर्ब दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको हिंट बॉक्स में, जो आपका क्लू वाला बॉक्स है, आपकी हेल्प बॉक्स है, वहां पर आपको एडवर्ब वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है? तो उनको आपको क्या करना है, सही सेंटेंस में सही शब्द लिखने हैं, ठीक है? गलत मत लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है बेटा, हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज की। तो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज में बेटा जो पहला सेंटेंस लिखा है, इट इज गिवन हियर, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, लायन रोअर्ड, जो शेर था वो गुर्राया। कैसे,
जो शेर होता है बेटा वो कैसे घुर्राता है? क्विकली, जल्दी से घुर्राया, या फिर लाउडली, तेजी से घुर्राया, या फिर रियली, सचमुच घुर्राया, या फिर सैडली, दुखी होकर के घुर्राया। तो बेटा यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है, एप्रोप्रिएट आंसर है, वो क्या है? द लायन रोअर्ड लाउडली, वो तेजी से घुर्राया। ठीक है, शेर होता है वो तेज से दहाड़ के बोलता है ना। ओके, हमें मिला है थर्ड फर्स्ट ऑप्शन में लाउडली, LOUDLY। ठीक है बेटा, लाउडली। ठीक, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर दिया हुआ है आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या है? Are you blank space going away to America, Rohan? Said mother. Rohan, क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम बाहर दूर जा रहे हो अमेरिका? रोहन सच में, क्या तुम रोहन सच में जा रहे हो? तो यहाँ पर मैंने क्या शब्द यूज किया? सच में। तो यहाँ पर बेटा जो शब्द है really, RELLY, क्या है? RELLY, really। तो आपके सेकेंड सेंटेंस में आना है really। लिख लीजिए सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ड आएगा RELLY, really, सचमुच। रोहन की माँ ने रोहन से पूछा, क्या तुम सचमुच रोहन, क्या तुम सचमुच दूर अमेरिका जा रहे हो रोहन? ऐसा उसकी मम्मी ने पूछा, उसकी रोहन की मम्मी ने पूछा। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास में जो सेंटेंस है, व्हाट इज गिवन हियर? वंस ही गॉट हिज मनी ही वेंट होम। एक बार उसको उसका पैसा मिला तो वो दुखी होकर के घर चला गया, ये जल्दी से अपने घर चला गया। तो क्या लगता है बेटा, कोई पैसा किसी को मिल जाएगा तो वो दुखी होगा क्या? बिल्कुल दुखी नहीं होगा, वो खुश होकर के और जल्दी से चला जाएगा, क्विकली। तो थर्ड सेंटेंस में जो वर्ड एप्रोप्रिएट है, जो सब वर्ड सही है, दैट इज क्विकली। ओके, तो थर्ड सेंटेंस में आप समझ लीजिए, क्यू यू आई सी के एल वाई, क्विकली। ओके, थर्ड लिखना है। द नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट इज गिवन हियर? रमेश वेंट होम डैश आफ्टर लूजिंग द मैच। रमेश अपने घर गया डैश होकर के, आफ्टर मैच हारने के बाद में रमेश क्या हो भी जाएगा? अगर कोई बच्चा मैच हार जाता है तो क्या होता है? आप लोग जैसे मैच खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, और अगर आप उसमें हार जाते हैं तो आप लोग खुश होके जाते हैं, दुखी होके जाते हैं? ओके, सैडली जाते हैं, दुखी होके जाते हैं, या राइट? तो यहाँ पर जो सेंटेंस आपको फिलअप करना है, दैट इज वॉट रमेश वेंट टू sadly after losing the match, रमेश दुखी होकर के मैच हारने के बाद दुखी होकर के घर गया। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ में आपको लिखना है SADLY, sadly यानी कि दुखी होकर के, राइट? अब बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज की, छठवें पार्ट है एक्सरसाइज का। क्या दिया हुआ है? मार्क ट्रू टी और फॉल्स एफ against the sentences। क्या करना है आपको? ट्रू और फॉल्स मार्क करना है सेंटेंस के सामने में। ठीक है, अगर सेंटेंस सही है, वाक्य सही है, तो आपको उस वाक्य के आगे में टी लिख देना है। लेकिन अगर सेंटेंस गलत है, फॉल्स है, तो आपको उसके सेंटेंस के आगे में एफ लिख देना है, राइट? समझ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। बीरबल वॉज अ किंग, बीरबल एक राजा था। तो क्या ये सही है? बीरबल राजा था क्या? नहीं, he was a minister, एक मंत्री थे, है ना? तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाना है? फॉल्स हो जाना है। फॉल्स। यस मैम। एक्सरसाइज बात कर रहे हैं सिक्स में, फर्स्ट पार्ट है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है दैट इज योर फॉल्स। ठीक है, हमने क्या किया? एफ लिख दिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होनी, इसलिए मैंने आपको पूरा सेंटेंस में बता दिया, दैट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट बेटा सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट इज गिवन हियर? द एलिफेंट हैज वाइड ईयर्स। एलिफेंट के पास में वाइड ईयर्स होते हैं, छोटे छोटे से कान होते हैं। ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो एज यू ऑल नो दैट कि एलिफेंट के पास में बिग ईयर्स होते हैं, सबसे ज्यादा बड़े कान जो होते हैं वो हाथी के होते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है? सही है, ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पर टी लिखते हैं। यस मैम, ट्रू है। सेकंड सेंटेंस, यस मैम, इट इज, गांधी जी ने स्पेल्ड केटल, गांधी जी ने केटल शब्द को मिसस्पेल किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा, उन्होंने जो केटल शब्द था उसको मिसस्पेल किया था। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है, सही है, नहीं। क्या लिखा हुआ बेटा? दीनू एक मंत्री।
तो ये सेंटेंस तो गलत है एकदम. वीनू मिनिस्टर नहीं था, वीनू मंत्री नहीं था, है ना. वीनू कौन था? वॉशरमैन था, राइट. तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं लिखना. वो सेंटेंस में वीनू वाज था वॉशरमैन, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, बॉल्स है. नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, फिफ्थ सेंटेंस की बात करेंगे हम. फिफ्थ सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है देखते हैं. फिफ्थ सेंटेंस में लिखा हुआ है द फेयरीज मेड द शूज, जो परियां थी उन्होंने जूते बनाए. तो ये बात बिल्कुल सही है. द फेयरीज वाला जो चैप्टर है उसमें परियों ने ही, जो छोटी छोटी सी टाइनी फेयरीज थी, छोटी सी नन्ही परियां थी, उन्होंने ही वीनू के शूज को बनाया था. और उसको कट किसने किया था, जो लेदर था कट करने वाला वीनू था, लेकिन उसको बनाने वाला, रिपेयर करने वाली कौन थी, परियां थी. तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है. तो हमें लिख लेना है कि ओके सी फॉर ट्रू, राइट. अब बेटा बात करेंगे हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसका नेक्स्ट सब पार्ट है, उसकी बात करेंगे हम. तो देखते हैं क्या दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में, नेक्स्ट सब पार्ट में. तो यहाँ पर बेटा सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है उसमें क्या है, आंसर दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स है. तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स क्या होंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स को. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर, जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्हेन डज द मून बीम कम ओवर योर हेड. जो मून बीम है वो आपके बेड, सॉरी नॉट हेड इट्स बेड, जो मून बीम है वो आपके बेड पर कब आती है. तो इसका आंसर क्या बेटा, मून बीम कब आती है आपके बेड पर, जब मिडनाइट हो जाती है, आधी रात हो जाती है तभी आती है ना. कब आती है, मून बीम कम्स ओवर योर हेड व्हेन इट्स मिडनाइट, आधी रात होती तब आती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग इसको कर चुके हैं आप और अपने आप से लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. डिड ग्रीन, सॉरी What question is given here? What did Dhaniya make for the fairies? Dhaniya ne pariyon ke liye kya banaya? Dhaniya ne pariyon ke liye kya banaya? The man, the five, the. Okay, चलिए देख लेते हैं इसको. क्या आंसर है इसका? Dhaniya ne fairies ke liye छोटे-छोटे से clothes बनाए थे, colorful and brightful. Okay, सुनहले से और रंगीन कपड़े बनाए थे पारियों के लिए. तो ये आंसर है इसका. नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज क्वेश्चन हियर, शाइनिंग, डिड वीनू ब्राइट शाइनिंग कलरफुल. हाँ बेटा, शाइनिंग कलर्स के थे, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि डिड वीनू सक्सीड, क्या वीनू सफल हुआ था. यस, वीनू सक्सीड बिकॉज ही गॉट हिज रिवॉर्ड इन द एंड, ठीक है. क्यों, सच में, रियली सचमुच में क्या हुआ था, वीनू सक्सीड हुआ था. यस, वीनू सक्सीड because he get the reward in the end, right. Next question hai beta, what did the beggar say, jo bhikhari tha usne kya bola tha. To beggar ne kya bola tha beta, the beggar, ha bolo beta, the please, ha no reply kiji beta. The beggar said, the beggar said to me eat, nahi mam ruk jayegi, the beggar said बोला था कि कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दो, मैंने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया है. ओके, ये आंसर इसका आप लोग को लिख लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज गिवन हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज व्हाट कैन द एलिफेंट डू विद इट्स ट्रंक, एलिफेंट अपने ट्रंक से, अपने सूंड से क्या क्या कर सकता है. तो इसका आंसर बेटा ये है कि द एलिफेंट कैन क्या कर सकता है, पिक अप अ पिन, एक पिन को उठा सकता है, एक ट्री को नीचे गिरा सकता है और एक घर को भी क्या कर सकता है, मूव करा सकता है विद इट्स ट्रंक अपने सूंड से, राइट. तो ये आंसर भी हमने लिखा हुआ है बेटा. आप लोग इस आंसर के लिए प्लीज प्रीवियस वीडियोस को रेफर कर लीजिएगा, जहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखते जाइएगा, राइट. और इसके साथ साथ बेटा हम लोग दोबारा से रिवीजन करेंगे, और उसके पहले लेकिन हमें बहुत सारा अभी एसे लिखने हैं, है ना, एसे और लेटर राइटिंग करनी है, वो पार्ट हमारा रिमेनिंग है. तो बुक को फिनिश करने के बाद में हम ग्रामर पार्ट को कम्प्लीट करते चलेंगे, इसके साथ साथ में रिविजन भी करते चलेंगे. ओके, तो अब बात आती है क्या, सेवेंथ क्वेश्चन की. बेटा सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू योर अंकल, थैंक यू फॉर सेंडिंग यू अ लवली गिफ्ट फॉर योर बर्थडे.
तो बेटा हमने इसको भी किया हुआ है, इस पार्ट को हमने क्या किया है, लेटर राइटिंग जो है तो हमने इसको ऑलरेडी किया है, बट आज फिर से हम उसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं, राइट? ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा लेटर राइटिंग की। आप सभी रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। Okay, सक्षम भी आ चुके हैं, फाइन दैट्स ग्रेट। सक्षम भी आज क्लास में हम लोग के बीच में है, चलिए बढ़िया है। तो बात करते हैं किसकी बेटा, लेटर राइटिंग की बात करना है हमें, लेटर राइटिंग की हम स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं लेटर राइटिंग में हमें क्या लिखना है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात ये बेटा, जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो कुछ बेसिक जो चीजें हैं लेटर राइटिंग की, बेसिक जो चीजें हैं आप लोग उसको प्लीज ध्यान पे अपने माइंड में रख लीजिए। तो बेसिक चीजें बेटा ये है कि जो लेटर का पार्ट होता है, लेटर के पार्ट कितने होते हैं पहले हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो एक लेटर में कितने पार्ट होते हैं, डियर ब्रदर, वॉट एवर जो भी आपको लिखना है वो होता है हमारा क्या सैल्यूटेशन, की हम किसके लिए हम कर रहे हैं, ओके? देन नेक्स्ट बेटा आता है, जो नेक्स्ट पार्ट होता है क्या, दैट कंसिस्ट ऑफ अवर मैटर, की हमें क्या बात कहनी, वो मैसेज जो हमें उनको देना है लेटर राइटिंग पे, उस पार्ट में वो मैसेज कंसिस्ट होता है, मैसेज आता है। चलिए मैं इसको लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोग को ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है? लेटर राइटिंग करते हैं पार्ट ऑफ लेटर, ठीक है? यहाँ पर बेटा जो हमारी नोट पे कौन सा पार्ट होता है, हमारी नोट पे जो राइट पार्ट होता है वहां पर हमें क्या लिखना होता है, ये पार्ट हमारा कंसिस्ट कर जाए क्या, एड्रेस, ओके? यहाँ पर एड्रेस होता है, देन एड्रेस के बाद में क्या होती है बेटा, एड्रेस उसके बाद में जो बात आती है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ओके? या कहीं कहीं पर आपको मेट इस साइड पर मिलेगी। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम जिसके लिए लेटर लिख रहे हैं, ओके? डियर, यहाँ पर मैं एक्स वाई जेड कर रही हूँ, बिकॉज़ इसके कंसिस्ट ऑफ अंकल आंटी ब्रदर सिस्टर फ्रेंड एनीथिंग, ओके? देन यहाँ से जो हमारा पार्ट स्टार्ट होता है, ये पार्ट हमारा कन्वे करता है क्या, मैसेज को, व्हाट वी आर गोइंग टू कन्वे अवर मैसेज, हाउ मैसेज, ओके? तो यहाँ पर जो मैसेज होता है वो पार्ट कंसिस्ट होता है। रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेस्ट फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछते हैं, रेस्ट फैमिली मेंबर्स, ओके? देन उसके बाद में बेटा, उसके बाद में क्या होता है, जो आप लोग का लास्ट एंड होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपको अगर ये आप जो लेटर लिख रहे हैं इसको अगर आपको मैसेज में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप जो मैसेज राइटिंग करते हैं या फिर आप किसी लेटर को एज अ इनविटेशन लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं एज अ इनविटेशन, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, जब हम यहाँ पर लिख देते हैं योर्स लविंग, फिर सॉरी आई थिंक सो दैट यू कांट सी इट हियर प्रॉपरली, हाँ अब आप लोग विजिबल है अभी, हाँ ठीक है। तो जो ये पार्ट है हमारा राइट कॉर्नर ऑफ द पेज, तो वहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि हम कौन है, व्हाट्स अवर रिलेशन विद द राइटर, विद द विद हुम वी आर राइटिंग, हमारा हम उसको लेटर लिख रहे हैं उनसे क्या रिलेशन है, तो योर्स लविंग अगर हमने अंदर को लिखा है तो योर्स लविंग, ठीक है? देन अगर हम ये क्या करें, इनविटेशन के एज एन इनविटेशन भेज रहे हैं, किसी को हम निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, इसलिए टू कम योर होम, आपके घर आने के लिए, या फिर आपको किसी बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए, या समथिंग लाइक दिस, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए बेटा, हमें इस कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर पर हमें क्या करना होता है, वेन्यू यानी कि प्लेस, देन टाइमिंग की टाइमिंग क्या होती है, ठीक है? और अगर हम ड्रेस कोड लिख रहे हैं तो देन वी आर प्रिपेयर फॉर द ड्रेस कोड ओके आल्सो, ओके? तो ये होता है एक लेटर का पैटर्न। तो अभी हम फिलहाल जो बात करने जा रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, अब जो हम बात करने जा रहे हैं
वो है पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया हुआ है आपको. क्या टॉपिक दिया हुआ है बेटा? टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है दैट राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंक हिम फॉर सेंडिंग सच अ लवली गिफ्ट ऑन योर बर्थडे. आपको अपने अंकल को थैंक यू बोलना है. थैंक यू कहने के लिए आपको लेटर राइटिंग करनी है कि उन्होंने आपको बर्थडे पर इतना प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट सेंड किया है. ठीक है, तो जब हम लेटर राइटिंग यहाँ पर करेंगे बेटा तो कैसे होगी लेटर राइटिंग, आइए डिस्कस कर लेते हैं उसको. तो पहले तो हमें एड्रेस देना है. वहां पर क्या लिखना है हमें? सबसे पहले हमें एड्रेस मेंशन करना है. तो एड्रेस में हम लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल दैट आई एम लिविंग हियर इन चित्रकूट. सो हाउ कैन आई राइट, मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट लाइक दिस दैट VDM स्कूल विदनहम स्कूल. ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना है? देन यू कैन राइट हियर जानकी कुंज चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश. ओके, एंड यू कैन राइट द पिन कोड आफ्टर दैट. यू कैन राइट हियर लाइक दिस पिन कोड वट एवर द पिन कोड इज रनिंग हियर. ओके, देन उसके बाद में क्या लिखना है? उसके बाद में आपको डेट कर देना है दैट व्हेन यू आर राइटिंग. और यू कैन राइट द डेट ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ द लेटर. आप एड्रेस के पहले में भी डेट को मेंशन कर सकते हैं दैट आई एम राइटिंग ऑन दिस डेट. ठीक है, आप डेट को यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हैं. यहाँ पर सकते हैं सब लेटर्स में आपको डेट यहाँ पर मिल जाएगी. बट एप्रोप्रिएट जो होता है सबसे ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है टॉप मोस्ट पर लिखना ज्यादा बेटर रहता है. ओके, देन उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में जब आप डेट मेंशन कर देंगे उसके बाद की जब बात आती है बेटा तो फिर वहां पे आपको क्या करना होता है? एड्रेस लिखना होता है. तो एड्रेस मैंने आपको बता दिया दैट आई एम हियर इन विदनहम स्कूल. तो आई विल राइट दैट विदनहम स्कूल जानकीपुर चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश एंड पिन कोड इज व्हाट एवर पिन कोड इज ऑफ हियर. ओके, देन नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट व्हाट. देन नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी डियर आंटी. ठीक है, मैं क्या बात करूंगी? डियर आंटी. देन उसके बाद में जो अंदर का पार्ट है तो आपको हमेशा ही बात ये याद रखनी बेटा, जब भी आप लेटर राइटिंग करते हैं तो आपको पहले ये बताना होता है दैट आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं ठीक हूँ. ठीक है, अगर आप अपना जैसे कि यहाँ पर बर्थडे की बात की गई है तो आप बर्थडे में अच्छे हैं भले हैं तो ये लिखना है. अगर अगर आप सिकनेस के लिए बताना चाह रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स को दैट आई एम इल तो आप लिख सकते हो आई होप, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आप उसको लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर. आई एम ऑल्सो गुड बट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम अ बिट. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं लेटर को. तो देन हम जो नॉर्मल लेटर है उसकी बात करेंगे. क्या लिखेंगे? आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू. मैं यहाँ पर भले प्रकार से हूँ और ऐसा आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे से होंगे. ठीक है, अंकल के लिए है तो यहाँ पर अच्छे से होंगे. देन नेक्स्ट लाइन जो हमारी आएगी बेटा वो क्या आएगी? नेक्स्ट लाइन ये आएगी थैंक्स फॉर सेंडिंग सच अ लवली गिफ्ट. इतना प्यारा गिफ्ट भेजने के लिए आपको थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. Then what you have to write here? I really liked it very much. मुझे आपका गिफ्ट सचमुच बहुत पसंद आया. You have to say something about that either वो गिफ्ट जो उन्होंने सेंड किया वो आपको प्यारा लगा, आपको पसंद आया, वो आपके बहुत ही काम आने वाला है, आपके लिए यूजफुल है. यू कैन राइट 2 to 3 लाइन्स अबाउट दिस सेंटेंस. ओके, अबाउट द मेन टॉपिक. देन नेक्स्ट ओवरऑल कहने का मतलब ये है बेटा कि जो आपको क्वेश्चन दिया होता है कि आपको ये पत्र लिखना है इस रीजन से लिखना है बर्थडे में जो आपको गिफ्ट भेजा उसके लिए. तो यहाँ पर ये रीजन दिया हुआ है कि बर्थडे गिफ्ट में जो अंकल ने आपको गिफ्ट दिया है तो वो आपको बहुत पसंद आया तो उसके लिए आप लिख रहे हैं. तो यहाँ पर आपको वही पुटअप करना है. तो व्हाट आई मीन टू से कि जो मैसेज होता है मैसेज में पहले हम ये बताते हैं कि हम अच्छे से हैं, फिर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे. ठीक है, हम अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे. तो नेक्स्ट लाइन क्या आती है बेटा? जो भी टॉपिक दिया होता है आपके क्वेश्चन पे, आपके प्रश्न में जो भी टॉपिक दिया होता है उसी को हमें क्या लिखना होता है? मैसेज में लिखना होता है. तो 2 से 3 लाइन में आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना है. तो यहाँ पर हमने क्या लाइन लिख दिया? थैंक यू फॉर सेंडिंग सच अ लवली गिफ्ट. आई रियली लाइक इट वेरी मच. इट इज वेरी यूजफुल फॉर मी. ये मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. नेक्स्ट व्हाट यू कैन राइट? नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो कि आप रिसेंट टाइम पे क्या कर रहे हो? तो आप लिख सकते हैं दैट माय एग्जाम्स आर नियर. ओके, आपके एग्जाम्स नियर हैं, आपके मार्च में एग्जाम्स. यू कैन राइट लाइक दिस माय एग्जाम्स आर नियर. मेरे एग्जाम्स, मेरी परीक्षाएं पास में हैं एंड आई एम वर्किंग हार्ड. और मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ. मैम, हाँ बेटा. मैम मार्च में एग्जाम है. या बेटा मार्च में एग्जाम होगी आपको? मैम कौन से डेट में? बेटा एग्जाम के बाद बात नहीं कर लेते हैं हमेशा. मैम कौन सी डेट में? डेट फिक्स नहीं है बट मोस्ट प्रॉब्ली मार्च में एग्जाम होंगे. मार्च या अप्रैल में एग्जाम्स होते हैं आपके, उसी टाइम पे होंगे. ओके, हाँ तो अभी बात करते हैं हम लेटर राइटिंग की. तो क्या है इसमें, हमने क्या डिस्कस किया अभी? वर्किंग हार्ड, में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ. एंड रेस्ट इज वेल, बाकी सब कुछ अच्छा है, बाकी सब कुछ ठीक है. जो लास्ट लाइन आती है
बाकी के फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो वहां भी आप कह नहीं सकते कन्वे माय रिगार्ड्स टू आंटी एंड लव टू छोटू, जो मेरी आंटी है अंकल को लिख रहे हैं, तो आंटी को मेरा नमस्ते कहिएगा और छोटू को मेरा प्रेम कहिएगा, मेरा स्नेह कहिएगा, ठीक है। तो ये एक लेटर राइटिंग होता है, देन व्हाट यू हैव टू राइट योर्स लविंग, ठीक है, जो आपका लविंगली है उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट हेयर वॉट एवर योर नेम इज, यू कैन राइट हेयर सीता गीता रीता वॉट एवर, ओके। तो ऐसे एक लेटर की राइटिंग होती है, आइडियल लेटर राइटिंग। अब बेटा आपको इसमें से जो आज हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, जो आज मैंने आपको लेटर में समझाया है, आपको इसमें से अगर कुछ भी पूछना है देन यू कैन आस्क, ओके बेटा। किसी कोई क्वेश्चन है, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, चैट बॉक्स में मैसेज करना बेटा। अगर सबको समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू मैसेज इन चैट बॉक्स, ओके। ओके बेटा, आई थिंक सो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे दैट विल बी अवर, तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमारा जो होगा डिस्कशन का टॉपिक दैट विल बी ग्रामर पार्ट रिगार्डिंग लेटर एप्लीकेशन एंड एसेज, ओके। तो हम एसेज और इन सब चीजों की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सुनील फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू सो मच बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज का आपका होमवर्क यही है कि आज आपको जो लेटर राइटिंग समझाया है आपको उसको लिखना है, और उसके साथ साथ में बेटा क्या करना है, उसके साथ साथ में आपको जो रिवीजन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उनको पढ़ना है, रिवाइज करना है, और अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने उन प्रॉब्लम्स को पेपर पे लिख लेना है, और अपने नेक्स्ट क्लास में आपको उन सभी क्वेश्चंस को पुट अप करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय बेटा।